आदाब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार जो टीवी स्क्रीन पर हैं दो तीन तरीके की तस्वीरें जो हैं वो दिखाने की कोशिश की जाती रही, जहां ये दिखाया जाता रहा कि साहब दो ही पार्टियों में टक्कर है, भारतीय जनता पार्टी एक मोदी जी तो दूसरा केजरीवाल, इनके अलावा तीसरा कोई विकल्प ही नहीं है। दिल्ली की जनता ने तीसरे विकल्प को पूरी तरीके से नकार दिया है, पर कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां दिल्ली में 8 साल तक राज करने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी वहां पर बुरी तरीके से शिकस्त खा गई है। तो कुछ चीजें ऐसी भी सामने आई हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक बनी है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में दंगे हुए तो कुछ लोगों के दिलों में वो धधक अभी भी है, और वो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को इसका जिम्मेदार भी ठहराते हैं। अगर केजरीवाल वो कदम उठाते तो ऐसा नहीं होता, और किस तरीके से मरकज को लेकर के सियासत आम आदमी पार्टी द्वारा की गई उसकी भी तस्वीरें दिल्ली की जनता के सामने थी, और दिल्ली की जनता ने इन दोनों पार्टियों को नकार करके चौहान बांगर की सीट पर इतिहास रच दिया है। चौहान बांगर की सीट क्यों खास थी इसकी भी बात की जाएगी, पर सबसे पहले आपको यह बता दें कि कांग्रेस की उम्मीदवार शगुफ्ता चौधरी, उन्होंने अपनी जीत का परचम लहरा दिया है, और इस जीत के परचम के साथ साथ एक करारा तमाचा आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नफरत की सियासत पर पड़ा है, और मुसलमानों ने खासतौर पर यह दिखा दिया कि जो उनके मुद्दों की बात करेगा, जो उनके साथ खड़ा रहेगा, उसी के साथ हम कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। आपको बता दें कि आखिरकार क्या रुझान रहा है चौहान बांगर सीट का। आपको बताते चलें कि दिल्ली नगर निगम के सभी 250 वार्डों में वोटों की गिनती जारी है, इनमें कुछ सीटों के चुनाव परिणाम भी घोषित हो चुके हैं। हालांकि रुझानों में आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना ली है और बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया है। भले ही रुझानों में आप 129 सीटों पर आगे हैं, जबकि 105 सीटों पर भाजपा ने बढ़त बनाई है, चुनाव में कांग्रेस ने भी थोड़ी उपस्थिति अपनी दर्ज करा दी है और पार्टी 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा 5 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार भी आगे चल रहे हैं। मालूम हो कि एमसीडी चुनाव में कुछ वार्ड ऐसे भी हैं जिनका चुनाव परिणाम हर दिल्ली वासी जानना चाहता था, और इनमें उत्तर पूर्वी दिल्ली का चौहान बांगर, सिलमपुर, नंद नगरी, मुस्तफाबाद, नेहरू विहार, मौजपुर और ब्रिजपुरी शामिल है। अल्पसंख्यक बहुल इन इलाकों में रिकॉर्ड 60% से अधिक मतदान दर्ज किया गया था। अब इनमें से कुछ वार्ड के नतीजे घोषित हो चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सिलमपुर वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार हज्जन शकीला ने जीत हासिल कर ली है। सिलमपुर पहले कांग्रेस और बाद के विधानसभा चुनावों में आपका गढ़ बन के रह गया था, हालांकि अब की बार निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल कर सभी को चौंका दिया है। इसी तरह चौहान बांगर में कांग्रेस प्रत्याशी शगुफ्ता चौधरी ने भी अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। मौजपुर से भाजपा उम्मीदवार अनिल कुमार शर्मा जीत चुके हैं। खबर को लगातार जो है वो अपडेट किया जा रहा है, और क्यों चौहान बांगर सीट खास थी, क्यों सबकी नजरें चौहान बांगर सीट पे थी, इस पहलू को समझना जरूरी है, क्योंकि जब चौहान बांगर सीट पर उपचुनाव हुए थे जो चौधरी जुबेर जो हैं वो चुनावी मैदान में थे, कांग्रेस के उम्मीदवार थे, और उसी दौरान मरकज का मामला चला था, और मरकज को लेकर के किस तरीके की आम आदमी पार्टी ने सियासत की थी। जब इंटरव्यू हमने चौधरी जुबेर से किया था तो वो जो दर्द दिल्ली दंगों का था, वो जो दर्द बच्चों में अवेयरनेस लाने का था, जहां बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, इसको लेकर के वो लगातार जोर दे रहे थे, और कौम की जो बदहाली थी उसको लेकर के उनके आंसू उस इंटरव्यू में निकले थे। तो चौहान बांगर की जनता ने चौधरी जुबेर को उपचुनाव में जिता करके
आम आदमी पार्टी को यह संकेत दे दिया था कि अगर आप हमारे मुद्दों की बात नहीं करेंगे तो हम आपके साथ चलने वाले नहीं हैं। और इस बार भी चौहान बांगर की सीट और चौहान बांगर की जनता ने चौधरी जुबेर पर अपना भरोसा जताया और शगुफ्ता चौधरी ने उधर जीत का परचम लहरा दिया, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ माना जाता था आम आदमी पार्टी के खेमे में चला गया था। और आम आदमी पार्टी जो है किस तरीके की सियासत खासतौर पर मुसलमानों को लेकर के करती रही, वो सबसे बड़ा चर्चा का केंद्र था। दिल्ली की सिलमपुर विधानसभा सीट के अंतर्गत चौहान बांगर का 227 वार्ड आता है। इस पर परिसीमन के बाद ये वार्ड महिला प्रत्याशियों के लिए आरक्षित कर दी गई थी। पहले इस वार्ड का नाम 41E था, परिसीमन में इसका नाम बदलकर वार्ड नंबर 227 किया गया है। यहां से आम आदमी पार्टी ने आसमा रहमान को उम्मीदवार बनाया था और भाजपा ने सबा गाजी को अपना चेहरा बनाया था और कांग्रेस ने शगुफ्ता चौधरी को टिकट दिया था। ये वार्ड एक मुस्लिम बहुल इलाका है। 2021 में हुए एमसीडी उपचुनाव में यहां से कांग्रेस उम्मीदवार जुबेर अहमद ने अपनी जीत दर्ज की थी। वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हाजी इशराक खान इस सीट से हार गए थे। 2020 तक चौहान बांगर सीट से आम आदमी पार्टी के अब्दुल रहमान पार्षद थे। 2020 के चुनाव में अब्दुल रहमान को विधायकी का टिकट दिया गया था, वे चुनाव जीतकर विधायक बन गए थे। इसके बाद 2021 में हुए एमसीडी उपचुनाव में जुबेर अहमद यहां से पार्षद बन गए थे, जहां चौहान बांगर सीट यानी कि वार्ड नंबर 227 विधानसभा सिलमपुर उम्मीदवार जो थे पार्टी के आपकी आसमा रहमान थी, भाजपा की सबा गाजी थी, कांग्रेस की शगुफ्ता चौधरी थी। परिसीमन के बाद इस वार्ड की सीट को महिला आरक्षित कर दिया गया था। ये तीनों पार्टियों को अपने उम्मीदवार को बदलना पड़ा। ये सीट शुरू से ही भाजपा की पकड़ से दूर रही है और इधर भारतीय जनता पार्टी को 0 वोट मिले हैं। सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार पर दांव खेला। हालांकि चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुस्लिम उम्मीदवारों से दूरी बनाती है, मुस्लिमों को साथ लेकर के चलना नहीं चाहती, पर यहां जहां मुस्लिमों के वोट कटे, मुस्लिम चेहरा आगे रखा और जनता ने उसे साफ तौर पर जो है नकार दिया। पर चौहान बांगर सीट पर जिस तरीके से बीते 10 महीने में चौधरी जुबेर अहमद ने काम किया, वो चर्चा का केंद्र बना। जहां लाइब्रेरी को लेकर के जो बच्चियां दूर पढ़ने जा रही थी तो उन्होंने अपने ही वार्ड में लाइब्रेरी बनाने का काम किया, जो कि जनता ने उनके काम को पसंद किया और मुद्दों पर काम करना ज्यादा बेहतर समझा। आम आदमी पार्टी की तरह मरकज मुसलमान करते हुए दिखाई नहीं दिए, इसीलिए आज चौहान बांगर पर जीत का परचम शगुफ्ता चौधरी ने लहरा दिया है। मैं हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए साथ साथ शुक्रिया।